गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्टिंग मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ से कंचनजंगा का व्यू। हमारा मॉर्निंग कैसे शुरू हुआ? मॉर्निंग हम लोग का कैसे स्टार्ट हुआ आज? कंचनजंगा का व्यू कितना अच्छा है यहाँ से। सो गाइस सी द व्यू, दिस व्यू गाइस सीरियसली कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अगर बालकनी से ही आपको ऐसा व्यू मिल जाए मॉर्निंग में, तो इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एक लाइक जरूर दीजिएगा। सो गाइस फाइनली आपको व्यू कैसा लगा कंचनजंगा का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए व्यू कैसा लगा है। और अभी आप लोगों से हम मिलते हैं फ्रेश होने के बाद नीचे जाएंगे। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल फूड दर्शन। तो आज डे टू वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग साइट से मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करें। सो गाइस फाइनली टैक्सी हम लोगों ने हायर कर लिया है। तो भाई आपका नाम क्या है? सागर। तो सागर भैया से हम लोगों ने टैक्सी लिया है। तो ये ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट्स खुला हुआ है दार्जिलिंग में वो सारा ही करा देंगे एक्सेप्ट टाइगर हिल, क्योंकि टाइगर हिल अलग रूट में हो जाता है। तो अभी हम लोग और उसके लिए एक्चुअली उसके लिए सुबह ही जाना पड़ता है, सालिनी पीछे तो उसके लिए एक्चुअली सुबह ही जाना पड़ता है। तो 4 बजे हम लोगों ने बात किया भैया से, एक शेयर्ड कैब भी जाता है टाइगर हिल के लिए, और अभी और कोई शेयर्ड कैब नहीं है। अगर साइट सीइंग के लिए जाना है तो सिर्फ टाइगर हिल के लिए मिलेगा सुबह 4 बजे। अगर आप क्लॉक टावर के पास आ जाते हैं वहाँ से सुबह सुबह मिल जाएगा। हम दोनों पीस पगोड़ा जापनीज टेम्पल आ गए हैं। तो मेरे पीछे शायद ये आप देख सकते हैं, ये पीस पगोड़ा है जो पीछे वाइट कलर का जो इधर दिख रहा है वो इधर है जापनीज टेम्पल का, इस ऊपर देख सकते हैं। सुबह 4:30 AM को ये ओपन हो जाता है एंड 7 PM तक लास्ट खुला रहता है। सालिनी हंस रही है क्योंकि एक्चुअली उसका कंसर्न है कि फ्लावर्स गार्डन नहीं है, बट मैं तो गार्डन ऐसे ही रास्ते में सजाया हुआ है इसको। तो सजाया हुआ जो भी है, दिस इज नॉट अ गार्डन। अरे गार्डन तो ऐसे ही होता है ना। देखिए गाइस आप लोग के घर के आसपास भी गार्डन तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं ना। गार्डन नहीं है ना। चलिए ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कलाकृति की गई है। गाइस ये पीस पगोड़ा भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से आसपास का व्यू बहुत अच्छा है। तो हम बताशे लुक में आ गए हैं। अभी हमको थोड़ा भूख लगा है तो यहाँ से यहाँ पे चिकन मोमो और वेज मोमो। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ से निकालो। तो वेज मोमो 50 rupees ठीक है। तो हमने यहाँ से एक चिकन मोमो लिया है 8 पीस 70 rupees। तो अभी खा के देखते हैं। गरम गरम खाने में मज़ा आ रहा है, ऊपर से इसमें स्टफिंग भी बहुत अच्छा है। लुक भाई कहीं नहीं चिकन का प्रॉपर स्टफिंग किया हुआ है, ले रहा है। और ये चिली सॉस के साथ में ठंडा में मोमो मज़ा आ जाता है ना। सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। बताशे वाले में आए तो यहाँ का मोमो जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
हमारे ड्राइवर भैया हम लोग को छोड़ के चले गए, हम लोग को बोले घूम करके कॉल कर लेने के लिए। और ये हम लोगों ने एक हैट परचेस किया, एक नहीं दो, एक्चुअली एक और है। ये दोनों मैं पहन सकता हूँ, मगर सालिन में से एक पहन सकती है जो कि ये। देखा देखा, सेल्फिश इंसान का इस यही मतलब सिंबल होता है, दोनों अपना खरीद लिया। तो यहाँ से पूरा दार्जिलिंग का व्यू दिखेगा। तो हम अभी नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे आई लव यू बोल रही हूँ, आई लव दार्जिलिंग लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा ठंड है, कल से ज्यादा ठंड है आज, और थोड़ा क्लाउड भी है, इसीलिए कांचनजंगा भी थोड़ा बहुत ढक 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 गया है ऊपर का पिक। पूरा सिटी का व्यू मिल रहा है, यहाँ पे रास्ता है। तो गाइस जो भी घर पे बैठे हुए हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो जो कलकत्ता में पिछली हैं वो लोग दार्जिलिंग जरूर हैं। वो बहुत सारे चीज़ खुल चुके हैं, कुछ कुछ चीज़ अभी भी बाकी है खुलना। सो गाइस कोई भी अगर आते हैं दार्जिलिंग तो ड्रेसेस में क्लिक करा सकते हैं, मुझे भी बोला जा रहा है, बट अभी कोविड के टाइम में आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट आइडिया, तो हम लोग नहीं ट्राई करते हैं। बट गाइस ये व्यूज आप लोग देख लीजिए यहाँ का, आई लव दार्जिलिंग। सो जो दार्जिलिंग को प्यार करते हैं वो लोग लाइक जरूर करें। ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है, अगर जितना भी दिखता है पूरा पाइन। आई नो कैमरा में इतना अच्छा नहीं आएगा, सारा पाइन फॉरेस्ट है। सो गाइस कैब हम लोग यहाँ पे ही छोड़ दिए हैं, थोड़ा दूर हम लोग पैदल चलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये व्यू देखिए गाइस, जस्ट मिस मत करिए। हम लोग पूरा ही चीज़ कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग कवर नहीं कर रहे, जो हम लोग देख रहे हैं सब आपको दिखा रहे हैं। ये टी गार्डन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा ही टी गार्डन, आपको थोड़ा टी गार्डन का गाइस। अब हम लोग आ गए हैं रॉक गार्डन में, और रॉक गार्डन का जो वाटरफॉल मुझे बहुत पसंद आ गया। और यहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा है, जैसे दार्जिलिंग का वेदर बहुत ठंडा है और बतासे लूप में भी और ज़्यादा ठंड लग रहा था, यहाँ वेदर थोड़ा नॉर्मल है। हाँ ये नीचे होने के कारण यहाँ का वेदर बहुत ही नॉर्मल है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको ठंड नहीं लगेगा। ठीक है, हो गया हो गया, आइए। सोच ही सकते हैं गाइस कि ये कहाँ से बारिश है, मतलब जस्ट थिंक गाइस ये पानी कितना ऊंचाई से यहाँ आ रहा है, और इतना इतना ठंडा पानी है गाइस, सीरियसली आपको बहुत ठंडा पानी है। फाइनली गाइस हम लोग रॉक गार्डन के ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आ गए हैं, अब हम लोग को लगा है बहुत जोर का भूख। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैगी मिल सकता है, मोमोज मिल सकता है, एज यूजुअल दार्जिलिंग में ये दोनों चीज़ तो फेमस है और हर जगह अवेलेबल भी रहता है। सो गाइस
ये हमारा है यहाँ का स्पेशल डिश चिकन मै चिकन वाई वाई, और इसके साथ में ही आ गया है हमारा वेज मोमो है ना। हाँ, वेज मोमो। उसके साथ में ये स्पेशल चटनी जो कि तीखा होता है जिसमें। तो गाइस हम लोग करते हैं खाना को एंजॉय, और आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय। सो गाइस जैसा कि हम लोग ऑरेंज टी वैली आ गए हैं रॉक गार्डन से, ये रास्ते में ही पड़ा तो यहाँ पे भी हम लोग रुक गए। यहाँ से कंचनजंगा का व्यू जो आता है गाइस, यहाँ पे बादल नहीं होता ना तो सीरियसली आप लोग को मजा आ जाता। गाइस आप लोग क्या कहते हैं, शालिनी को भी ये काम में लगा दिया जाए? बंद कर इसको। ना अभी तो कैमरा पॉज करो ना। यहाँ पे जू के पास में ही हम लोगों ने सोचा कुछ खाने का आइटम मिल रहा था, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिल रहा था एक्चुअली। अगर कलकत्ता से है और आपको अलचा और ब्रेड चॉप पसंद है तो वो भी अवेलेबल है। और यहाँ का एक स्पेशल डिश है, मैंने बहुत जगह देखा है तो मैं एक बार ले रहा हूँ इसको। ये है चिकन पाई, एक्चुअली पाई का ही टाइप का दिखता है, इसके अंदर चिकन का फीलिंग है। सो ये हम लोग को मिल गया है हमारा आलू चाप, और यहाँ पे रेडी हो रहा है ये पाई। पाई रेडी रहता है, इसे गर्म करना पड़ता है ना। एंट्रेंस है जहाँ पे आपका हैंड सैनिटाइज वगैरह होता है, सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर आने दिया जाता है। तो एक्चुअली गाइस यहाँ पे टाइमिंग है 8:30 to 4 PM, अभी हमारे पास एक घंटा और है। सो यहाँ पे फॉक्स चालाक जानवर हुआ क्या ऐसे, मुझे किसे पता, वो पागल है। जाना किधर है? चिल्लाई तब तो मजा आएगी ना। ये तो है कि पूरा चिल्लाओ। सो ये छोटा सा दिखने वाला चीज और कोई नहीं, ब्लैक पैंथर है। हमारे मोगली के ब्लैक पैंथर। गाइस देखिए यहाँ पे पेलिकन दिखने मिला। ये देखो। तो यहाँ से परफेक्ट व्यू मिल सकता है इन लोगों को। अब पिक्स भी मैं ले ही लेता हूँ। तो गाइस आप लोग को मजा आ रहा है, तो हम लोग को दिखाने में तो हालत खराब हो रहा है सीरियसली बोले तो। बाबा आप लोग को मजा आ रहा है तो एक काम जरूर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे ज्यादा तो हम लोग कुछ मांगते ही नहीं आप लोगों से। हाँ। है और लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त, जस्ट ये थंब लेना प्रेस कर देना। तो आगे भी बहुत कुछ है, चलिए दिखाते हैं आप लोग को वो भी। फाइनली ये रेड पांडा मुझे दिख गया। हाँ ये लोग ज़्यादा जोर से बोलने से ही भाग जाते हैं। सो गाइस अब हम लोग रेप्टाइल हाउस है यहाँ पे। फिर से डिफरेंट डिफरेंट। ओके ये रेप्टाइल हाउस नहीं था, यहाँ नॉर्मल एक्वेरियम था। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं रेप्टाइल्स। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई स्नेक मुझे नजर आ रहा है। नो no.
हाँ यहाँ पे है गाइस, सालों को दिख नहीं रहा है बट आई कैन शो यू साइड में है वो। सारे पिक्स ले लो, यहाँ पे भी है रसल वाइपो हरे पॉटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फाइनली मेन सूटकेस इंडियन रॉक पाइथन। सोना रात में सही जगह गाइस, यहाँ पे इंडियन रैट स्नैक है, आपको पता नहीं कितना क्लियर दिखेगा क्योंकि एकदम साइड में कोना में बैठा हुआ है। शालिनी के लिए वो लोग मिडिल में आकर बैठेंगे गोइंग फॉरवर्ड, मैंने बात कर लिया है। ये हिमालयन पिट वाइपर एकदम स्लोली स्लोली जा रहा है, सबसे क्लोज भी आपको दिखा सकते हैं। ये शालिनी के इसके हिसाब से सामने भी मिल रहा है मेरे लिए सामने आ बाहर आ गए हैं। ये गोल्डन फिश अगेन, यह चपटा फिश गोल्डी गोल्डी बस गोल्डी अंदर सिल्वरी सर इसका इसके लिए देखना सुंदर था। इसको हम लोग बोलेंगे चितकबरा गाइस, ये लेपर्ड कैट जिसका जो प्रिंट होता है बिल्कुल ही लेपर्ड के जैसा होता है। आप लोगों को बहुत शौक होगा जंगली बिल्ली को देखने का, तो आज देख लीजिए जंगली बिल्ली, इसका नाम ही है जंगल कैट। जंगली बिल्ली जानता ना अभी आ जाएगा वो गाइस। जू दार्जिलिंग में जू देखने के बाद यहाँ पे सर्वे भरना पड़ता है कि यहाँ पे कैसा लगा एक्सपीरियंस है एक्चुअली क्या है। हाथ नहीं चल रहा है सही में हाँ नहीं फाइनली गाइस हम लोग जू भी घूम लिए और यहाँ का सर्वे भी कंप्लीट कर लिए। सर्वे कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने अपना मेल आईडी दे दिया और फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर कभी मुझे लगता है तो वो लोग मुझे उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था टेंजिंग रॉक। सो यहाँ पे आप क्लाइंब करना चाहते हैं तो क्लाइंब कर सकते हैं। यहाँ कुछ चार्जेस वगैरह पे करके आप क्लाइंब कर सकते हैं। कंचनजंगा भी दिख रहा है। ऊपर जाइए ना, ऊपर से अच्छा फोटो लीजिए, वो कंचनजंगा देखेगा, हम लोग चढ़ाएगा आप लोग का 120 लगेगा, आप लोग चढ़ के फोटो लेने का क्लाइंबिंग करने का पूरा व्यू अच्छा निकलेगा, पूरा सेफ्टी मिलेगा, छोड़ने से भी नहीं गिरेगा। तो गाइस यहाँ टेंजिंग रॉक है, यहाँ भैया है जो आपको सेफ्टी के साथ ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से कंचनजंगा का व्यू बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर आप चाहें तो ऊपर जा कर के फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं और सेफ्टी से आपको ऊपर ले जाया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे सारा चाय और कुछ गर्म कपड़े वगैरह, और शालिनी का मन करिए पापड़ी चाट ले ज़रूर ले सकते हैं। तो हम लोग अपना पापड़ी चाट स्टार्ट करते हैं बनवाना। तो यहाँ 40 रुपीज़ करके पापड़ी चाट देते हैं, थोड़ा प्राइस हाई रहेगा ऑब्वियसली, घूमने आए तो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्वान्टिटी भी सबसे ज़्यादा है खुला है। तो फाइनली ये चाट हम लोग बन गया पापड़ी चाट, थोड़ा क्राउड है क्राउड एरिया से मैं बाहर निकल जाता हूँ। सो यहाँ पे एक और रॉक है वो गोम्बू रॉक है जो फोकस में कर दूँ, तो वो जो सामने जा दिख रहा है वो गोम्बू रॉक है और ये टेंजिंग रॉक है। गोम्बू रॉक और भी ऊँचा है बट वहाँ अभी बंद है,
कोई है नहीं, वो भी चला जाता है क्या? हाँ वो भी चला जाता, बट वो अभी नहीं दिख रहा है ना, ये फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है। वो तो कितना ऊंचा है, पहले ऐसे करके जा रहा है फिर ऐसे करके ऊंचा है। एग्जैक्टली। सो गाइस अब डिस्कस ना करते हैं, हम लोग अपना पापड़ी चाट को एंजॉय करते हैं। गार्डन जाने के रास्ते में हम लोग को ये ऑसम व्यू मिला गाइस, आपको जूम करके दिखाता हूँ। सो मैंने सोचा ये व्यू मैं अकेला क्यों एंजॉय करूँ, आप लोग को भी दिखाया जाए। सो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ का टी गार्डन, ये लास्ट टी गार्डन है जो हम लोग विजिट करने आए हैं। हमारा आज का जितना भी विजिट पॉइंट था सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू है गाइस, जो पूरा व्यू आएगा अगर मॉर्निंग के टाइम आया जाएगा, यहाँ पे जो सनसेट हो रहा है, यहाँ पे कैमरा पे मैं बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा, बट जो सनसेट है वो बहुत ही ऑसम है। तो पूरा टी गार्डन है। अब वैली देखिए कितना सारा वैली है, काउंट नहीं कर सकते। Seriously guys, I love Darjeeling. For this, I love Darjeeling. We are in love with Darjeeling. जैसा कि हमने बोला था कि जो हम लोग देखेंगे वो आपको दिखाएंगे। So, हम लोग टी वैली से जब जा ही रहे थे तब ये व्यू मुझे देखने को मिला। मतलब सीरियसली गाइस, लाइट कम है कुछ कर नहीं सकते, बट ये जो कंचनजंगा पूरा ऑरेंज कलर का हो गया है, पूरा ही ऑरेंज। शालिनी जस्ट देखो, पूरा ऑसम लग रहा है यार, ऑसम लग रहा है। भाषा से मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो ये व्यू है ना सनसेट का। सो गाइस अगर रंगीत टी वैली आ रहे तो मेक श्योर आप लास्ट टाइम ही आए, मतलब इवनिंग गोल्डन आवर्स में, इवनिंग में सनसेट के टाइम में आए। सनसेट के टाइम में यहाँ से जो व्यू कंचनजंगा का आप देख सकेंगे वो कभी नहीं देख सकते। और ये शायद ही कोई ब्लॉग में बताया गया होगा, ये हम लोग बता रहे क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट है, हम लोग फॉर्चुनेटली इसको देख पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली तो बोलना ही नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा अच्छा व्यू तो शायद ही मिलेगा आपको कभी देखने के लिए। सनसेट देखना है तो टाइगर हिल छोड़ के यहाँ ही आ जाइए, अगर टाइगर हिल नहीं जा पाते तो। अरे टाइगर हिल में इसका आधा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट में चाय में नहीं है, दोनों ब्लैक ही है। इवनिंग के टाइम में ये दीदी आई थी देने के लिए, तो ये हमारा ब्लैक टी 10 रुपया करके, प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस जो होता है चाय का। यहाँ पे बहुत सारे केक के आइटम हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ठीक है। इसका क्या नाम बोलो? क्रीम रोल, चॉकलेट क्रीम है और उसका रोल है क्रीम रोल। तो हम लोगों ने बहुत सारा खाया है, चॉकलेट क्रीम रोल फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और ये डेट केक है, इसको छोड़ कर भी यहाँ पे बहुत सारे कुकीज वगैरह अवेलेबल है और यहाँ पे चॉकलेट बटर स्कॉच डोनट वो भी अवेलेबल है। तो एक एक करके हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से ले ही जाएंगे। बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है महाकाल बेकर्स, तो यहाँ आके आप ले सकते हैं सब चीज़ अवेलेबल है। वो जो चौरास्ते से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता है, ग्लेनरिस्ट वाला रास्ता नहीं, उस लेफ्ट में जो रास्ता है जो मार्केट है राइट में ये दुकान पड़ता है, ये वाले मार्केट से आके राइट में दुकान पड़ता है, यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। गाइस फाइनली हमने रूम में वापस आ गए हैं और हम बहुत ज्यादा टायर्ड है, मतलब हम बता नहीं सकते है, हमारा मतलब पैर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है ना, मतलब कल चल पाएंगे या नहीं पता नहीं है। तो हम बिरयानी लेके आए थे, बिरयानी खा लिए है, हम दिखाना भूल गए थे, इतना टायर्ड हो गया था ना बिरयानी दिखाना, भूख भी लगा हुआ था तो दिखा नहीं पाया। यहाँ पे कलकत्ता बिरयानी मिलता है और फ्लेवर बहुत अच्छा था, मतलब कलकत्ता बिरयानी के टाइप का ही था, मतलब बंगाली लोग ही थे, बंगाली लोग ही थे इसीलिए वैसा फ्लेवर मैच कर पाए।
और उसके साथ में हम लोगों ने लिया था। और मुझे मतलब थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था तो हमने एक बेकरी से अपने आपको दिखाया था, हमने ये वाला केक लिया हम। तो जैसा कि मैंने बेकरी दिखाया था तो अब रात का टाइम है ये केक खाने का। हाँ, तो बिरयानी क्रीम रोल है जो आधा हमने खा भी लिया है, इसके अंदर चॉकलेट है और ऊपर तो आप देख ही सकते हैं चॉकलेट। अब बिरयानी का प्राइस भी बहुत सस्ता है, अगर आप रायते के साथ में लेंगे तो 120, अगर रायता छोड़ के लेते हैं तो 100। तो हम लोगों ने रायते के साथ में ही लिया था, रायता भी अच्छा था, स्पाइसी अच्छा था। बिरयानी का क्वांटिटी थोड़ा कम था मगर ठीक ठाक, मतलब अभी तो मतलब यहाँ पे थोड़ा 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 करके खा ही रहे पूरा दिन ही। हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ तो खा ही रहे तो इसीलिए इतना पेट में जगह भी नहीं है। हाँ। तो चल गया अपना में। और उसके साथ में ये भी अभी खाना है तो हो ही जाएगा पूरा। हाँ। तो और ताकत नहीं है वीडियो करने का। तो गाइस बाय बाय, और ये हमारा डे टू का अभी वीडियो ब्लॉग खत्म हुआ है। डे टू ब्लॉग हमारा आज का खत्म होता है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा, टाटा, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो।